गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज फिर मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आई हूँ। इससे पहले हमने वीडियो में पढ़ा था, उसी टॉपिक को मैंने आगे किया है, क्रॉप प्रोडक्शन था, जिसमें हमने पढ़ लिए थे कि क्रॉप प्रोडक्शन के कौन कौन से प्रैक्टिसेस हैं। उसमें मैंने एक बार फिर से रिवाइज करने के लिए मैंने रिपीट किया है। हमने अभी तक इसकी जो हमने कुछ प्रैक्टिसेस जो होती है जो एक सिक्वेंस में चलती है जो मैंने बताई थी, सबसे फर्स्ट थी हमारी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन सोइंग, थर्ड थी हमारी एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, फिर देन इरीगेशन, नेक्स्ट प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स एंड हार्वेस्टिंग और स्टोरेज, किस तरीके से हम स्टोर करते हैं। इसे ही हम कंटिन्यू करते हुए आज नई वीडियो लेके आई हूँ। तो हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किस तरीके से की जाती है, ये वाला हम फर्स्ट वाला टॉपिक पढ़ेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम करते हैं कि टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। इसका मीनिंग है कि हम जो सॉइल होती है उसको टर्न की जाती है, यानी टर्न का मतलब होता है कि जैसे कि आप गेम खेलते हो तो टर्न बाय टर्न एक के बाद दूसरी के टर्न आती है, उसके बाद थर्ड की टर्न आती है, उसी तरीके से टर्निंग द सॉइल को मतलब नीचे वाली सॉइल को ऊपर करना, ऊपर वाली सॉइल को नीचे करना, इस तरीके से सॉइल को ऊपर से नीचे से टर्न की जाती है। जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, ये एक यूज कर रहा है इसमें एक तरीके से, ये सारी एक एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस में जो हम यूज करते हैं इम्प्लीमेंट्स है। जैसे इसमें ये देखा गया है आपने, इसके अंदर ये इस तरीके से ये हमारा एक एग्रीकल्चर जो इम्प्लीमेंट करने का वो प्लगिंग करने का एक वो है, एक मशीन है जो जिसके द्वारा सॉइल को लूज किया जा रहा है। इसके बाद हमने देखा है कि इसको लूज करने के हमारे इसके पीछे कारण क्या है, कि सबसे पहले तो इसको हम पहले कारण जानने से पहले हम देख लेते हैं कि जो हम ये लूज सॉइल को जो लूज करते हैं वो लूजिंग करते हैं सॉइल को या टर्निंग करते हैं उसे कहते क्या, उस इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लगिंग। इसका मीनिंग है कि द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टीलिंग और प्लगिंग। इसका मतलब सॉइल को जब हम देखो, ये आपको दिख रहा है इस तरीके से सॉइल्स को किस तरीके से हम इसको ऊपर नीचे कर रहे हैं, जिसमें हमने एक कल्टीवेटर का यूज किया है, मतलब ट्रैक्टर जिसे कि एक ट्रैक्टर के द्वारा इसमें एक ड्राइवर के द्वारा इसको किया जाता है। इसके अलग अलग यूज किए जाते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट इसके आगे ही स्लाइड में बताऊंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि टर्निंग और सॉइल क्यों की जाती है, वो टर्निंग और सोइल करने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आपने कोई पेन या नेल ली और एक आपने दो वो ले ली, एक तो आपने ले लिया कि स्पंज ले लिया और एक आपने वुडन पीस ले लिया, आप जब उस पिन को उसके अंदर जब आप उसके अंदर इंसर्ट करोगे तो आप देखोगे कि जो स्पंज है उसमें इजीली आपकी जो पिन है इंसर्ट हो जाएगी, बट अगर आप वुडन पीस में अगर उस पिन को इंसर्ट करना चाहोगे, नेल को इंसर्ट करना चाहोगे तो वो इजीली नहीं होगी। मतलब द पिन इज पिन कैन नॉट बी इंसर्ट इजीली इन द वुडन बट पिन इजीली इंसर्ट इन स्पंज। Why? क्योंकि है ना ऐसा इसलिए होता है कि वो है ना वो लूज है, मतलब वो स्पंज है, उसमें गैप्स बने हुए हैं, वो एक सॉलिड में क्या होता है कि गैप नहीं होते। जैसे कि हमने देखा सॉइल, अगर आप उसको टर्निंग नहीं करोगे तो एक हार्ड बन जाएगी एज अ वुडन स्टोन इस तरीके से, तो उसके अंदर क्या होगा कि जो रूट है जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रही है, रूट आपको दिखाई दे रही है किस तरीके से रूट नीचे सॉइल में जा रही है। अब अगर मान लो आप इतना आप समझ गए होंगे, अगर ये हार्ड होगी तो इस रूट को आगे जाने के लिए कहीं रास्ता ही नहीं मिलेगा, कोई भी इस तरीके से कहीं जाने को आगे स्पेस नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या होता है कि हम सॉइल को प्लगिंग करते हैं, उसको होलो बनाते हैं, मतलब उसमें एयर का स्पेस होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि प्लांट जो होता है फोटोसिंथेसिस तो करता ही है बट वो रेस्पिरेशन भी करता है। अब रेस्पिरेशन भी करता है, आप देखो जैसे आपको पता है कि अब रेस्पिरेशन में क्या होगा, इसमें जो एयर होती है जो सॉइल की एयर है वो कैसे लेता है, इसके जो रूट्स के माध्यम से लेता है, इस रूट के जरिए लेता है। अब रूट के जरिए अब आपको पता है कि रूट कैसे इसको एब्सॉर्ब करेगी, अगर इसमें सॉइल में एयर जाने के लिए स्पेस चाहिए, पोरस होनी चाहिए मिट्टी, इसलिए इसे हम प्लगिंग और उसको सॉइल लूजन करते हैं। लूज करेंगे तो इजीली क्या होगा कि बाहर की जो एनवायरनमेंट की एयर है जो इजीली सॉइल के अंदर चली जाएगी। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जब आप मिट्टी में पानी डालते हो तो देखा होगा आपने बबल्स निकलते हैं, वो बबल्स ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सॉइल्स के अंदर क्या होता है एयर गैप्स होते हैं और उस एयर के कारण क्या होता है वो हमें बबल्स दिखाई देते हैं। अब इसके हम इसको एक बार इसमें मैंने जो एक बार स्लाइड में लिखा उसको हम एक बार देख लेते हैं कि दिस अलाउ द रूट टू पिनरेट डीप इन टू द सॉइल, मतलब ये रूट्स को अंदर जाने के लिए गहराई में, पिनरेट का मतलब है कि गहराई में जाने के लिए उसको स्पेस देती है। देन सेकेंड हमारा लूज सॉइल अलाउ टू रूट टू ब्रीथ इजिली, ये मैंने भी डिस्कस कर ही लिया कि ब्रीथिंग करने के लिए, क्योंकि जो सॉइल में जो हमारी ऑक्सीजन होती है उसको वो इनटेक करती है बाय रूट के द्वारा।
इसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि लूजन सोइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सोइल। आपको पता है कि जो हमारी सॉइल है वो ह्यूमस होनी चाहिए, उसके अंदर मतलब उसके अंदर सारे जो मिनरल्स होते हैं जो सब कैसे होते हैं रूट्स के जरिए वो सॉइल से ही लेते हैं, तो हमारी मिट्टी में सब होने चाहिए। उसके लिए क्या होता है कुछ माइक्रोब्स हमारी हेल्प करते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, और इंसेक्टिवोरस प्लांट के अलावा कई सारे प्लांट्स पड़े हैं, जैसे कि आपने एक राइजोबियम पढ़ा होगा, तो ये सब क्या करते हैं प्लांट्स को हेल्प करते हैं जो जैसे नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब करने के लिए। वैसे ही अर्थवर्म क्या करता है कि इस सॉइल्स को पोरस बनाता है, कैसे, क्योंकि इसका जो फूड है वो मिट्टी है, जो वो मिट्टी को जब मिट्टी को भी ईट करेगा खाएगा तो क्या होगा मिट्टी में क्या होगा फिर उसके अंदर जाएगा और उसका जो वे एक्सक्रीट जो उसका एक्सक्रीट मतलब जो उसका जो अनडाइजेस्ट फूड है वो भी क्या मिट्टी है। इस तरीके से वो क्या कर रहा है मिट्टी को खाएगा और उसको खाके फिर दोबारा वही मिट्टी को बाहर निकालेगा, तो मिट्टी कैसी होती है पोरस बन जाती है। और उसकी अभी आप देखिए अब इस ये हार्ड मिट्टी होगी तो इजीली इसके अंदर चले जाएगा नहीं जा सकता, यदि जैसे पिन ही इसके अंदर नहीं जा सकते तो ये माइक्रोब्स कैसे उसके अंदर जाएगा अर्थवर्म। तो इसके लिए क्या होता है हमें मिट्टी को सॉइल को पोरस बनाना होता है लूज करना होता है, और ये हम करते हैं अलग 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 हम इसके लिए यूज करते हैं मशीन्स वगैरह, जैसे कि अब मैं वही बताने जा रही हूँ नेक्स्ट स्लाइड में हमारा जो इम्प्लीमेंट्स है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। देखो पहले आपने देखा होगा कि पहले जो अपने हम एनिमल्स को यूज किया जाता है प्लग के थ्रू, अब देखो इसमें क्या होता था अपने टाइम भी बहुत लगता था और इसमें ह्यूमन पावर भी बहुत लगती थी। अब धीरे धीरे क्या होगा जैसे 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 टेक्निकल टेक्निक्स डेवलप हुई वैसे वैसे क्या हो गया आगे आगे हम उससे ज्यादा एडवांस होते गए। आज जो किया जाता है वो कल्टिवेटर ड्राइवन बाय ट्रैक्टर, ये दिख रहा है आपको एक जो एक ट्रैक्टर के थ्रू, इसमें क्या होगा कि ह्यूमन पावर भी कम लगेगी, दूसरा कि इसमें टाइम भी बहुत कम लगेगा, कम टाइम में हम बहुत ज्यादा एरिया को प्लगिंग कर सकते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा आज हमारा इतना ही है, हमारी लास्ट वीडियो यही या लास्ट जो हमारी स्लाइड थी वो यही थी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। इस तरीके से हमने सबसे पहले पढ़ा था कि प्रिपरेशन ऑफ सोयल में हमने देखा कि इसका जो मेन काम है वो है कि टर्न द सोयल एंड लूज इन, कि सोयल को टर्न करना लूज करना, ये हम करते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से जिसमें हम यूज करते हैं ये देखा आपने प्लग यूज किया ओ यूज किया और एक ट्रैक्टर यूज किया। अब हमने इसमें देखा ये क्यों किया गया ये भी मैंने आपको बता दिया कि इसमें हमने देखा कि फर्स्ट पॉइंट था कि रूट के लिए कि वो रूट ग्रो इन पिन रेट इन द डीप सोइल, और दूसरा था कि ग्रो माइक्रोब्स अर्थ एज अर्थ वर्म इन द सोइल। इस तरीके से हमने आज क्लियर किया है, अगर आपको समझ में आया हो अच्छे से आपको तो आप इसको जरूर देखिए, इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इसमें अगर कुछ कुछ समझ में नहीं आया आपको तो मुझे कमेंट करिए। थैंक यू।